किस तरह से महिला को डिटेन करने की कोशिश, और ये देखिए किस तरह से डिटेन किया जा रहा है यहाँ पे। ये देखिए पुलिस की तानाशाही। आप देख सकते हैं कि और यहाँ पर किस तरह से युवा साथियों को भी उसमें डाला जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे उस महिला को, आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि दिखाएं कि वो किस तरह से उसमें महिला को बस में किस तरह से खींचा जा रहा है वहाँ पे। आप नहीं जानते ईडी किसके इशारे पे चल रही है, सीबीआई किसके इशारे पे, बीजेपी के इशारे पे चल रही है। कुछ प्रूफ नहीं हुआ, उठा के ले गए, तो 400 पार कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे। ईडी देश के राजा के कहने पे, इशारों पे काम कर रही है। सीबीआई, ईडी सबको इन्होंने नाजायज इस्तेमाल कर दिया। बीजेपी तो करेगी इस्तीफे की मांग। चोर खुद ने करी चोरी और कर रहे हैं मोदी जी सिन्हा चोरी। नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। मैं इस समय दिल्ली के पटेल चौक पर हूं, जहां आप देख सकते हैं कि केजरीवाल के समर्थन में पूरा दिल्ली के जनता इस समय पटेल चौक पर धरना प्रदर्शन कर रही थी। यहां पे बहुत ज्यादा लोगों को डिटेन भी कहा जा रहा है। आप देखिए इस महिला को किस तरह से बैठे में बैठा कर हिरासत में लिया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। और मैं यहाँ पे बात करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से महिला को डिटेन करने की कोशिश, और ये देखिए किस तरह से डिटेन किया जा रहा है यहाँ पे। ये देखिए पुलिस की तानाशाही। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे उस महिला को, आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि दिखाएं कि वो किस तरह से उसमें महिला को बस में किस तरह से खींचा जा रहा है वहाँ पे। आप देख सकते हैं कि और यहाँ पर किस तरह से युवा साथियों को भी उसमें डाला जा रहा है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर बात करूंगा, हमारे नेता को इन्होंने गलत तरीके से गिरफ्तार किया है, उसके विरोध में यहाँ शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने आए थे, मगर हमारे को आते ही यहाँ पर इन्होंने डिटेन कर लिया, बैठने तक नहीं दिया। ये साफ जाहिर होता है। अरे अभी तो शुरू भी नहीं किया, अभी तो गाड़ी से उतरे ही थे, उन्होंने उठा के जो है बस में घुसा दिया। धारा 144 लागू है सर, धारा 144 एक घंटा पहले लागू हुई है यहाँ पर, और धारा 144 वहीं पर लागू क्यों होती है जहाँ पर आम आदमी आता है, वहाँ पर क्यों नहीं होती जहाँ पर ये बीजेपी वाले इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ तो कभी नहीं होती। आगे भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है केजरीवाल के इस्तीफे को लेके, तो उसको उस वहाँ पर 144 क्यों नहीं लगी हुई? क्योंकि बीजेपी सेंटर में इसलिए नहीं लगी हुई वहाँ पे, इसलिए हमारे को अंदर किया गया, इसीलिए यहाँ पर डिटेन किया गया। जहाँ पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ 144 क्यों नहीं लगाई गई? वहाँ इसलिए नहीं लगाई गई क्योंकि वो सेंटर के अंदर है। ये प्रधानमंत्री पे आरोप लगाते हैं, प्रधानमंत्री का क्या मतलब है? ये तो न्यायपालिका के द्वारा, ईडी के द्वारा कार्रवाई हो रही है। ईडी, आप क्या आप नहीं जानते ईडी किसके इशारे पे चल रही है, सीबीआई किसके इशारे पे, बीजेपी के इशारे पे चल रही है। कुछ प्रूफ नहीं हुआ, उठा के ले गए, 9 समन 10 समन। आप मुझे बात बताओ, वोट से एग्जैक्ट पहले क्यों उठाया? इसलिए उठाया ताकि वो प्रचार ना कर सके, ये सारा प्लान्ड था। मगर कोई बात नहीं, एक केजरीवाल को आपने अरेस्ट किया है, वो केजरीवाल ऐसे लाखों करोड़ों केजरीवाल और भी यहाँ पर हैं जो इस पार्टी के अंदर हैं। आप केजरीवाल सोचा उसको खत्म नहीं कर पाओगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का कहना है कि डरा हुआ तानाशाह जो है मिलित लोकतंत्र बनाना चाहता है, इसे आप क्या समझते हैं? देखिए ऐसा है, अगर डरा हुआ तानाशाह नहीं होता तो आज हमारे सारे नेता अंदर नहीं होते। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे डिटेन किया जा रहा है कि आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है, बस को भरा जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉलिंग भी वो खुद कर रही है और फील्डर वो बंद कर रही है। 400 मारने तो 400 पार कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे सर। मोदी दिख रहा है, मोदी किस लिए दिख रहा है? वो कहते हैं राम को लाए थे, राम को तो दशरथ जी लाए थे ना, वो थोड़ी ना लाए थे। इतने बड़े राम मंदिर बनवा दिए भव्य, आपको आप उसे राम मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर जनता के चंदे से बना है, राम मंदिर मोदी जी ने नहीं बनवाया। अगर मोदी जी नहीं होते तो राम मंदिर, अब रणवीर जी को पैसे किसके पास पाए गए? शरद रेड्डी के जो पैसे डोनेशन कहाँ दी गई? वो तो भाजपा में दी गई, साफ साफ सबूत है, उससे ज्यादा क्या पाएंगे? मोदी फैक्टर खत्म हो चुका है कि नाजायज जो ये बंद कर रहे हैं, मुख्यमंत्री सिटिंग मुख्यमंत्री को इन्होंने रात में चोरों की तरह उठा लिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये जो आया है
उसमें पता चलता है कि रेड्डी ने पैसे भाजपा को डाले। मोदी जी नहीं बंद किए, मोदी जी खिला रहे तो है, खुद खा रहे। आप देखिए ना, मोदी जी ने अंबानी अडानी सिर्फ इन्हीं को अमीर बना रहे। अडानी के नौकर हो चुके हैं हमारे देश के राजा, अंबानी के नौकर हो चुके हैं हमारे देश के राजा। देश के प्रधानमंत्री आप किसी के नौकर बना रहे हैं? बिल्कुल सच्चाई बोल रहे हैं। अगर एक बात ये, देश का प्रधानमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री को नाजायज केस में उठाएगा तो वो क्या है? वहाँ पे ईडी गिरफ्तार किए प्रधानमंत्री के इशारों पे चल रही है। आज अगर हमारे अरविंद जी को भाजपा में शामिल कर रहे हैं, अगर हो जाए तो ईडी केस खत्म हो जाएंगे, फाइलें चोरी हो जाएगी। तो इसका मतलब साफ है, ईडी देश के राजा के कहने पे इशारों पे काम कर रही है। न्यायपालिका पर विश्वास नहीं आप लोगों को? सर, न्यायपालिका पे तो सुप्रीम कोर्ट ने तो दिखाया है कि जो पैसे उन्होंने चुराए जी। मैडम बिल्कुल, सीबीआई ईडी सबको इन्होंने नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं और नाजायज ही केस लगा रहे हैं और उन्हें बंद कराए जा रहे हैं। मैडम जब देश का राजा ही, देखो याचिका उन्होंने लगाई, उन्होंने संबंध दिए, अब जब वो नहीं बंद कर पाई तो उन्होंने झूठे आरोप में जो रेड्डी साहब ने जो बताया है कि पैसे पैसे भाजपा में गए और नाजायज केस अरविंद जी पे लग गया। मैडम बिल्कुल चलेगी, अरविंद जी ही हमारे मुख्यमंत्री, अरविंद जी ही हमारे नेता है, अरविंद जी ही हमारे सब कुछ। आप संविधान को नहीं मानते? मैडम जेल से सरकार चलेगी, जो कोर्ट में हमारे परमिशन ली जाएगी और साइन करवा के हम वहाँ से लाएंगे। ये तो असंवैधानिक हो जाएगा ना सर, कोई देश का तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया। संवैधानिक पद पर होकर आप कारागार से, आप मैडम बीजेपी तो करेगी इस्तीफे की मांग। चोर खुद ने करी चोरी और कर रहे हैं मोदी जी सीना चोरी। तो ये बताना चाहेंगे आगे हम 31 मार्च को रामलीला मैदान में प्रदर्शन करेंगे। वहाँ पे तो इंडिया के कितने लीडर आ जाएंगे? होगा सारा, होगा देश की जनता होगी। जो काले कानून जो ये ला रहे हैं ना बार बार, सिटिंग सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना, किसान मजदूर भी उस प्रोटेस्ट में शामिल, सब उसमें शामिल होंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं चलेगी मोदी तेरी, हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी मोदी तेरी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी मोदी तेरी, हिटलर शाही। केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। 31 तारीख को रामलीला मैदान में आपका कैसा केजरीवाल? जैसा भी पार्टी हमारी हाईकमान करेगा वैसा हम नहीं चलेगी। ये आप देख सकते हैं किस तरह से बसों में भर भर के केजरीवाल के समर्थकों को लेकर जाया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से बस को लेकर जाया जा रहा है। यहाँ पे जो दिल्ली के ये पटेल चौक था, यहाँ पे करीब करीब बहुत ज़्यादा बसें भर कर लेकर जा चुके हैं ये लोग। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी उन लोगों से बातचीत करने पर ये निकल कर आया कि मैं अभी बैठ भी नहीं पाया था, तभी पुलिस हमको डिटेन करना स्टार्ट कर दी थी। मैं शांतिपूर्वक यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए उतरा था। हमारे साथ कैमरा मैन आशीष जी के साथ मैं श्रवण कुमार।